चलिए अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है व्हाट वाज प्रताप सिंह's रिएक्शन आफ्टर लिसनिंग भामाशाह's व्यू। तो यहां पहले आपको वर्ड समझिए क्वेश्चन के, वॉज लगाए लेकिन वॉज के बाद आपको कोई भी वर्ब थर्ड नहीं मिल रही, यानी आपको यहां वॉज वर्ब के बाद कोई भी मुख्य क्रिया नहीं मिल रही। तो अगर आपको वॉज वर्ब के बाद कोई मुख्य क्रिया नहीं मिलती तो ऐसी स्थिति में ये खुद होती हैं और तब इसका अर्थ क्या होता है, होना। लेकिन होना जब प्रेजेंट में होता है तब तो इसके अर्थ होते हैं और हैं, जब ये पास्ट में पहुंच जाता है तब इसके अर्थ हो जाते हैं था और थी। कैसे कि व्हाट वॉज प्रताप सिंह's रिएक्शन, यानी प्रताप सिंह की रिएक्शन क्या थी। अब यहां वॉज का अर्थ था थी थे निकलेगा। अगर वॉज वर्ब के संग मुख्य क्रिया में आईएनजी होती तो रहा था रही थी निकलने लगता है, और अगर आपको वॉज वर्ब के संग मुख्य क्रिया में वर्ब थर्ड मिले तो ऐसी स्थिति में आप उसका अर्थ क्या करते हैं कि वो पैसिव वॉइस हो जाता है पास्ट इंडेफिनिट का, तब आप करते हैं जाता था जाती थी जाते थे। और जब मैंने बताया था कि बी रूप अकेला मिले तो उस सिचुएशन में इसके अर्थ क्या निकलते हैं, है। होना अर्थ निकलता है होना प्रेजेंट में है हो जाता है और पास्ट में जो होता है वो था हो जाता है, ठीक है। तो आपको बताना है कि प्रताप सिंह का रिएक्शन क्या था आफ्टर लिसनिंग, मतलब सुनने के बाद। आफ्टर मतलब के बाद और लिसन माने सुनना। भामाशाह's व्यू, भामाशाह के व्यू, व्यू का मतलब विचार। तो भामाशाह के जो विचार थे, भामाशाह के विचार सुनने के बाद राणा प्रताप का उसके लिए रिएक्शन क्या था। अब पहले तो आपको कहानी में यह समझ में आना चाहिए कि भामाशाह के विचार क्या थे। तो भामाशाह जब राणा प्रताप से मिले थे तो उस समय क्या विचार लेके मिले थे, उन्होंने यह कहा था कि मेरे पास जो धन है वो धन मैं आपको देने के लिए आया हूं। बीच में उन्होंने यह भी बताया था कि अपन यहां से लेकर दावेर के बीच में जो अकबर के सैनिक हैं, तो ये चंद्रमा बढ़ गया है, रात अच्छी हो गई है, तो अपन इनको कब्जे में भी ले सकते हैं। यानी भामाशाह के विचार राणा प्रताप के लिए बहुत अच्छे थे। इतने अच्छे विचारों को सुनकर, और चूंकि वो खुद भी कैसे आए थे, एक तीर्थयात्री के वेश में आए थे और बड़ी चालाकी से आए थे, तो इतनी सारी बातें जब राणा प्रताप को समझ में आई तो राणा प्रताप का उनके लिए रिएक्शन क्या था ये आपको बताना है। तो इसके लिए पहले आप डायरेक्ट आंसर याद करने से पहले ये देख लें कि आंसर लिखा कहां से है। अगर आप पेज नंबर 92 पे आएंगे तो नीचे से जो सेकंड नंबर का पैराग्राफ है उस पे देखिए, पेज नंबर 92 निकाल लीजिए। हां, नीचे से सेकंड नंबर का पैराग्राफ जो प्रताप सिंह से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। इसमें देखिए प्रताप सिंह क्या कहते हैं कि इफ गुड डेज कम, यदि अच्छे दिन आते हैं, यानी उसकी इतनी अच्छी बातें थी मामा साहब की कि प्रताप सिंह ने उसके लिए क्या कहा, ये उसका रिएक्शन है किसका, प्रताप सिंह का, कि यदि अच्छे दिन आते हैं एंड सीसोदिया के जो सीसोदिया वंश है, प्लांट मतलब लगा पाया, सीसोदिया वंश दोबारा लगा पाया किसको, वंस अगेन मतलब एक बार फिर, द एम्ब्लेम ऑफ द सन, एम्ब्लेम का मतलब होता है प्रतीक चिन्ह ऑफ द सन, सूर्य का, क्योंकि उनके वंश का जो प्रतीक चिन्ह था वो सूर्य था। तो अगर सीसोदिया वंश दोबारा सूर्य प्रतीक चिन्ह को लगा पाया, अबाउट चित्तौर, चित्तौर पर योर फैमिली सेल बी स्टिल फर्दर ऑनर्ड, योर फैमिली आपके परिवार को सेल बी, बी प्लस सेल बी लगाए और सेल बी के संग बर्थ थर्ड लगी है, इसका मतलब विल बी सेल बी पैसे बॉयस हो गया, कहेगा विल सेल का, तो अर्थ क्या करेंगे, जाएगा जाएगी। तो वो क्या कह रहा है कि योर फैमिली आपके परिवार को सेल बी स्टिल फर्दर ऑनर्ड, और आगे सम्मानित किया जाएगा, यानी आपके परिवार को फिर सम्मानित किया जाएगा। ये उनके रिएक्शन थे किसके, राणा प्रताप के, जो इतनी अच्छी बातें भामाशाह ने करी थी इसके बदले में राणा प्रताप ने ये रिएक्शन दिया। और उसने आगे भी कहा कि आई हेल यू, मैं तुम्हें पुकारता हूं भामाशाह एज सेवियर ऑफ मेवार, यानी भामाशाह आज मैं तुमको मेवार का सेवियर, मेवार का रक्षक कहकर या मेवार के रक्षक की उपाधि देता हूं। क्लियर, ये यहां से उत्तर लिया गया है।
जो बातें आपकी वहां थी मैंने यहां भी सेम वही बातें रख दी हैं, यानी कोई भी वर्ड चेंज नहीं किया। तो एक बार जो आंसर है आप एक एक करके उसके सारे वर्ड देख लीजिए फिर से, और ये देखिए कि यहां जो नरेशन के रूल से क्या चेंज आया, बस केवल वो देखना है। प्रताप सिंह सेड, प्रताप सिंह ने कहा। तो ये देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो सेंटेंस है, अगर आप लोगों ने देखा होगा, मैंने ये रूल कई बार बताया है, रूल ऑफ सीक्वेंस ऑफ टेंस जो नरेशन में लगता है, कि यदि आपका इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला वाक्य पास्ट में होता है तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले वाक्य को भी आपको पास्ट में चेंज करना पड़ता है इस नियम से। यहां सेड पास्ट में, दोनों सेंटेंस जोड़ने के लिए दैट का प्रयोग किया गया, और आगे जो बातें हैं वो बुक से ही देखिए कि इफ गुड डेज कम था, कम प्रेजेंट इंडेफिनिट है, मैंने कम को चेंज करके क्या कर दिया, केम कर दिया पास्ट इंडेफिनिट, क्योंकि फर्स्ट आपका पास्ट में है तो ये भी पास्ट में जाएगा। तो इस तरीके से प्रताप सिंह ने कहा दैट की इफ गुड डेज केम, यदि अच्छे दिन आते हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे, ये रूल ऑफ सीक्वेंस ऑफ टेंस लागू होता है लेकिन अर्थ को नहीं बदल पाता, केवल दिखाई देता है कि ये पास्ट हो गया, लिखने में पास्ट होता है लेकिन अर्थ की दृष्टि से, सेंस की दृष्टि से ये पास्ट नहीं होता। तो यहां केम का अर्थ भी आप आते हैं करेंगे, कि यदि अच्छे दिन आते हैं, एंड द सीसोदियास यानी सीसोदिया वंश प्लांटेड, तो जैसा यहां बुक में आप देख रहे होंगे प्लांट है, मैंने उसको प्लांटेड कर दिया, प्लांटेड का मतलब लगाना, कि यदि सीसोदिया वंश लगा पाया, वंश अगेन एक बार फिर, द एम्ब्लेम मतलब प्रतीक चिन्ह, एम्ब्लेम प्रतीक चिन्ह ऑफ द सन सूर्य का, तो पूरे का अर्थ हो जाएगा सूर्य का प्रतीक चिन्ह, अबाउट चित्तौर, चित्तौर पर यानी चित्तौर के आसपास अगर सूर्य का प्रतीक चिन्ह फिर से लहराया, सूर्य की पताका अगर फिर से लहराई, तो भामा शाह फैमिली के, भामा शाह के परिवार को, अब देखिए बुक में आपके में दिखाई दे रहा होगा सेल भी, मैंने उसको कर दिया शुड भी, लेकिन अर्थ आप सेल भी ही करेंगे, कि भामा, अब यहां क्या है कि अर्थ इसका करेंगे सेल भी ऑनर्ड। अब सेल भी क्या हो गया, पहले तो आप ये देखेंगे सेल भी काय का पैसे वे, विल सेल का, विल सेल की हिंदी क्या होती है, गागी के, तो सेल बी की हिंदी क्या हो जाएगी, जा लगेगा, जाएगा, जाएगी, जाएंगे, और ऑनर मतलब सम्मानित, सम्मानित किया जाएगा, तो भामा साहस फैमिली सेल बी का हो गया शुड बी, स्टिल फिर फर्दर और आगे ऑनर्ड सम्मानित किया जाएगा, तो भामा शाह के परिवार को आगे सम्मानित किया जाएगा। He said, उसने कहा यानी राणा प्रताप ने कहा दैट की ही हेल, अब यहां भी देखिए बुक में क्या लिखा है, आई हेल यू, मैं तुम्हें पुकारता हूं, आई कौन सा पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन बदलता है सब्जेक्ट से, तो आई के प्लेस पे ही हो गया, तो ये हो गया ही हेल, हेल मतलब पुकारना, प्रेजेंट इंडेफिनिट था, ये पास्ट में तो ये भी पास्ट हो गया, तो ही हेल्ड, उसने पुकारा हिम उसको, एज सेवियर ऑफ मेवार, मेवार का रक्षक, तो उसने उसको मेवार का रक्षक कहकर के पुकारा, क्लियर। तो ये पहले आपने वर्ड मीनिंग देख ली, अब आप इसे डायरेक्ट तैयार करिए, ये जरूर देखिए कि आपकी आपकी नजर बिल्कुल भी कहीं आपके नोट्स पे नहीं हो, या आपने जो लिखा है उस पे नहीं होनी चाहिए। देखिए किस तरीके से, क्वेश्चन ये था कि व्हाट वाज प्रताप सिंह रिएक्शन, आपको यहां राणा प्रताप का रिएक्शन बताना है, तो राणा प्रताप ने अपने रिएक्शन में क्या कहा था कि ही सेड, रिएक्शन क्या होता है, उसमें रिएक्शन में कुछ बातें कही थी, तो इसलिए आप कहेंगे कि प्रताप सिंह सेड, क्या बातें कही वो आपको एक एक कर ले लिखनी है, कि इफ क्या कहा था उसने, कि यदि अच्छे दिन आते ही, इफ गुड डेज, लेकिन कम काम केम कर देंगे, इफ गुड डेज केम, यदि अच्छे दिन आते हैं, एंड जो सीसोदिया हैं वो दोबारा प्लांट कर पाते हैं, एंड द सीसोदियास प्लांटेड, और सीसोदिया अगर प्लांट कर पाते हैं
वंस अगेन का मतलब एक बार फिर, कि अगर सीसोरियास एक बार फिर प्लांट कर पाते हैं क्या, द एम्ब्लेम ऑफ द सन, एम्ब्लेम मतलब प्रतीक चिन्ह ऑफ द सन, सूर्य का। तो ये राणा प्रताप ने कहा था, आप क्या कहेंगे, राणा प्रताप सेड या ही सेड दैट, कि यदि अच्छे दिन आते हैं, क्योंकि अभी तो हमारा टाइम खराब है, हम खुद अपना किला छोड़कर के बाहर भटक रहे हैं। उसने क्या कहा था कि इफ गुड डेज कम, यदि अच्छे दिन आते हैं, लेकिन आप कम को काय में चेंज कर देंगे केम में। समझ में आ गई होगी बात कि आप क्यों के चेंज कर रहे हैं, कि इफ गुड डेज केम, यदि अच्छे दिन आते हैं, एंड द सीसोदियास, द सीसोदियास कहने का मतलब कि पूरा सीसोदिया वंश प्लांट का प्लांटेड कर देंगे, कि द सीसोदियास प्लांटेड वंस अगेन, कि यदि सीसोदिया वंश एक बार फिर से लगा पाता है, क्या लगा पाता है, द एम्ब्लेम ऑफ द सन, एम्ब्लेम ऑफ द सन मतलब सूर्य का प्रतीक चिन्ह, कहां, अबाउट चित्तौर, चित्तौर पर, कि यदि सूर्य का प्रतीक चिन्ह वो चित्तौर के आसपास लगा पाता है, यदि सूर्य के प्रतीक चिन्ह को वो चित्तौर पर लगा पाता है तो क्या किया जाएगा, तब भामाशाह के परिवार को, यानी भामाशाह फैमिली, कॉमा लगा के लिखना है कि भामाशाह के परिवार को सम्मानित किया जाएगा, जाएगा मतलब विल बी सेल बी, समझ में आया कि नहीं, तो भामाशाह फैमिली। अब एक बात यहां थोड़ी सी आपको और समझनी है, आपके दिमाग में तो नहीं आती होगी, लेकिन चूंकि कंफ्यूजन कभी बैठ के अगर तैयार कर रहे हैं तब हो सकता है। जैसे ज्यादातर आपको यह बात पता होगी कि आई और वी के संग में हम सेल का यूज करते हैं, ये बातें सबको पता है। शेषकर्ताओं के साथ में आप विल का उपयोग करते हैं, यहां सेल था भामाशाह फैमिली, तो आई और वी के साथ में केवल सेल लगता है, तो भामाशाह के साथ सेल क्यों लगा है, यह बात आपको यहां और ग्रामेटिकल समझनी है। आई और वी के साथ सेल लगता है, शेष के संग में आप बिल लगाते हैं, लेकिन ये साइक्रियाएं आपस में पलट जाती हैं जब आप दृढ़ निश्चय से कोई बात करते हैं। जैसे अगर आपने ये कहा था कि मैं कल ग्वालियर जाऊंगा, आई सेल गो टू ग्वालियर टुमेरो, आप ये कहेंगे, लेकिन अगर आप ये कह देते हैं कि मैं कल ग्वालियर जरूर जाऊंगा, तो सब्जेक्ट बेशक आपका आई है, लेकिन अब आप आई के साथ सेल का यूज ना करके विल का करेंगे, आई विल गो टू ग्वालियर। तो अगर आप अपनी बात को दृढ़ निश्चय से कहते हैं, अगर आप अपनी बात पर जोर दे करके कहते हैं, अगर आप अपनी बात को पक्का विश्वास करके कहते हैं कि इस काम को करूंगा ही करूंगा, तो ऐसी सिचुएशन में जो सहायक क्रियाएं हैं वो आपस में पलट जाती हैं फ्यूचर की। तो इसलिए भामाशाह के साथ विल होना चाहिए, लेकिन भामाशाह ने इस बात को दृढ़ निश्चय से कहा कि आपके परिवार को सम्मानित जरूर किया जाएगा, तो इसमें जरूर की अंग्रेजी नहीं लगानी पड़ती, केवल साइक्रिया बदल दी, तो भामाशाह फैमिली शुड बी, क्या भामाशाह के परिवार को शुड बी स्टिल फर्दर ऑनर्ड, सम्मानित किया जाए। बात आ गई समझ में, सारी ग्रामर मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक बार पूरे आंसर को फिर से देख लीजिए, आपको प्रताप सिंह का रिएक्शन करना है, लेकिन हिंदी में आपको तैयार जरूर होना चाहिए। प्रताप सिंह का रिएक्शन क्या था कि यदि अच्छे दिन आते हैं, इफ गुड डेज केम, आते हैं को हम केम क्यों कह रहे हैं वो समझ में आ रहा होगा, इफ गुड डेज केम, कि यदि अच्छे दिन आते हैं, एंड और सीसोदिया वंश दोबारा सूर्य प्रतीक चिन्ह लगा पाता है, इस बात को कहने का मतलब यह था कि सीसोदिया वंश दोबारा गद्दी पर बैठ पाता है, शब्दों को थोड़ा बदल के कहा गया लेकिन मतलब उसका वही था। एंड द सीसोदियास प्लांटेड, के सीसोदिया वंश प्लांट कर पाया, वंश अगेन एक बार फिर, द एम्ब्लेम ऑफ द सन, सूर्य का प्रतीक चिन्ह, अबाउट चित्तौर, चित्तौर पर, तो क्या होगा कि भामाशाह फैमिली, के भामाशाह के परिवार को शुड बी स्टिल फर्दर ऑनर्ड, स्टिल फर्दर ऑनर्ड, के भामाशाह के परिवार को फिर भी सम्मानित किया जाए। इतनी बात उन्होंने अपने रिएक्शन में कही थी, जो भामाशाह ने उनके लिए इतना किया इसके रिएक्शन में। तो मेरे ख्याल से इतनी बात सब लोगों को अच्छे से तैयार हो गई होगी, क्लियर।
एक बार पूरी बात को आप फिर से दोबारा देख लीजिए, यानी जो भामा शाह का रिएक्शन था एक बार आप उसे फिर से समझिए कि भामा शाह का रिएक्शन क्या था। तो प्रताप सिंह का रिएक्शन क्या था कि प्रताप सिंह ने कहा हिंदी में क्या था, पहले हिंदी बोलिए जिससे आपको तैयार करने में दिक्कत नहीं आए, कि यदि अच्छे दिन आते हैं इफ गुड डेज केम, और सिसोदिया दोबारा प्लांट कर पाते हैं, एक बार फिर प्लांट कर पाते हैं, एंड इफ गुड डेज कम एंड द सिसोदियास प्लांटेड बन सके, सिसोदिया प्लांट कर पाते एक बार फिर, सूर्य का प्रतीक चिन्ह द एम्ब्लेम ऑफ द सन अबाउट चित्तौर पर, तो क्या किया जाएगा कि भामा शाह के परिवार को शुड बी स्टिल फर्दर ऑनर और आगे सम्मानित किया जाएगा। इसके बाद ही सेड, उसने फिर से एक बात और कही, तो ही सेड दैट, उसने कहा कि मैं तुम्हें मेवाड़ का सेवियर कह के आपको बुलाता हूं, मैं तुम्हें मेवाड़ के सेवियर की उपाधि देता हूं। तो ही सेड दैट, अब मैं तुम्हें देता हूं, लेकिन नरेशन के रूल से आई बदलेगा फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से, तो आप क्या कहेंगे, ही सेड दैट ही हेल्ड हिम, ही सेड दैट, यहां भी हेल्ड था उसका क्या कर देंगे, हेल्ड कर देंगे। He said that, उसने कहा कि he held him, इस ही का मतलब राणा प्रताप, held him का मतलब भामा शाह, यानी राणा प्रताप भामा शाह को पुकारता है। तो he said that, उसने कहा कि he held him, वह उसे पुकारता है एज सेवियर ऑफ मेवार, तो वो उसे मेवार का रक्षक कहकर के आज से बुलाता है। तो he said that, उसने कहा कि he held him, कि वो उसे पुकारता है एज सेवियर ऑफ मेवार, तो वो उसको मेवाड़ का रक्षक कहकर के बुलाता है। क्लियर, फिर देख लीजिए एक बार आंसर को, यानी आपको राणा प्रताप का रिएक्शन बताना है। तो प्रताप सिंह सेड या ही सेड दैट, प्रताप सिंह ने क्या कहा कि यदि मेरे अच्छे दिन आते हैं इफ गुड डेज केम, अच्छे दिन आएंगे तो सूर्य प्रतीक चिन्ह हम दोबारा लगाएंगे, यानी दोबारा गद्दी पर बैठेंगे, एंड द सिसोदियास प्लांटेड वंस अगेन द एम्ब्लेम ऑफ द सन अबाउट चित्तौर, तो क्या करेंगे कि भामा शाह फैमिली के, भामा शाह के परिवार को शुड बी स्टिल फर्दर ऑनर्ड। क्लियर, इसके बाद ही सेड दैट, उसने कहा कि मैं तुम्हें पुकारता हूं, यानी ही प्रताप सिंह हेल्ड हिम भामा शाह, के प्रताप सिंह भामा शाह को पुकारता है एज सेवियर ऑफ मेवा। क्लियर, चलिए इसके बाद देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 8, सिंपल है, व्हाट टाइटल, क्या शीर्षक प्रताप सिंह गिव, प्रताप सिंह ने, एक मिनट क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लीजिए, हाँ, व्हाट टाइटल डिड प्रताप सिंह गिव, तो यहां आपने डिड छूट गई है, व्हाट टाइटल डिड प्रताप सिंह गिव, तो डेड गेम का अर्थ क्या हो जाएगा, दिया, प्रताप सिंह ने क्या शीर्षक दिया, क्या टाइटल दिया टू भामा शाह, यानी आज से प्रताप सिंह ने भामा शाह का नाम क्या रख दिया, तो वो आपको यहीं से पता चल गया, सेवियर ऑफ मेवाड़ का आता उसने, तो वो कह देंगे ही गिव का गेव कर देंगे, क्योंकि डेड लगाए तो सेकेंड फॉर्म हो जाएगी, तो ही गेव हिम, उसने उसको दिया द टाइटल ऑफ सेवियर ऑफ मेवाड़, इसमें आपको केवल सेवियर ऑफ मेवाड़ लिखना है जो आपको यहां से तैयार है, यानी उसको सेवियर ऑफ मेवाड़ का टाइटल यहां से मिल गया। क्लियर, तो बस ये आपके कुछ छोटे छोटे आंसर हैं, इनको भी देखिए और ये आंसर थोड़ा ठीक है इसको अच्छे से देख लीजिए। चलिए इसके बाद आपका जो बी पार्ट है उसको स्टार्ट करते हैं, बी पार्ट के आंसर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इसके, इसमें से एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा।